जदयू ने कल अनंत सिंह की आलोचना की। सबसे ज्यादा यदि अनंत सिंह जी का बेनिफिट किसी को मिला तो वो नीतीश कुमार और जदयू को मिला। नीतीश कुमार सरेंडर करके जिए हैं अनंत सिंह जी के साथ। और यदि आज कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को सपोर्ट करता है या राजनीति अपनी तय करता है तो फिर कांग्रेस को ऐना दिखाना और कोई यह कहे कि किसी के चेहरे पर, ये राजनीति में कुछ लोग सुगर के गू होते हैं, गोबर भी नहीं की बोर्सी और निपने में। और लगभग जो पॉलिटिकल पार्टी, छोटे पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं और जो सेकेंड थर्ड लाइन आज आ रहे हैं, पैदा हो रहा है, इन लोगों को राजनीति का खरा पता नहीं। और जिस तरीके की बात बेटी बहन और मां के बारे में बोला जाता है, हमें तो कभी कभी आश्चर्य लगता है ऐसे लोगों के बारे में, खास तौर पर गिरिराज टाइप के लोग, ऐसे लोग जो प्रियंका जी के बारे में बोली, जो लगातार महाजन जी ने भी बोल दिया, जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष कुछ नहीं कर पाएंगे या क्या होगा, फिर डर किस बात का, भय क्यों सता रहा है, सपने में प्रियंका जी क्यों याद आ रही है। तब तो हरा था कि कुछ नहीं, इसीलिए ऐसे लोग जो कभी पाकिस्तान मियां मियां पाकिस्तान, पाकिस्तान मियां, इसके अलावा दो शब्द नहीं था, अब आ गया संविधान और लोकसभा, उसको गाली दिया जा रहा है। इतना डिरेल्ड आदमी, मैंने हिंदुस्तान की राजनीति में लोकसभा को गाली देना, संविधान को गाली देना, संविधान लोकसभा और भारत की संस्कृति से ऊपर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च नहीं है। पूजा इबादत ईश्वर अल्लाह आस्था के चीज है, इंटरनल चीज है,